पेरेंट्स कैन गो और पेरेंट्स को कोई हिचकिचाहट नहीं होगी अपने बच्चों को लेके जाने के लिए और साथ में देखने के लिए फैमिली मम्मी दादी सबके साथ या एवरीवन जी हमने लैंग्वेज को लेकर काफी काम किया है इस फिल्म में तो इस प्रिपरेशन के बारे में बताइए क्या प्रिपरेशन की थी आपने सेंटर में देखना है आई थिंक थोड़ा बहुत प्रिपरेशन हमको करना था डेफिनेटली हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए फिल्म शुरू करने से पहले वरुण का एक्सेंट थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट था मुझसे क्योंकि ही इज़ कमिंग फ्रॉम झांसी मैं कोटा से हूँ विच इज़ द एजुकेशन हब ऑफ राजस्थान एंड इट इज़ इट वही डिफरेंस है आई थिंक हम दोनों में जो नॉट ओनली इन लैंग्वेज स्पीकिंग पर कैरेक्टर्स और पर्सनैलिटी में भी पर डेफिनेटली आई थिंक प्रेपरेशन तो शशांक ने ही करवाई हमसे देखिए आई थिंक मोस्टली हर फिल्म के लिए हर एक्टर प्रिपेयर करता है बट मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग बोले कि बहुत डिफ़िकल्ट था मैं सूरज के अंदर खड़ा था मतलब मैं सोया नहीं रात भर मैंने ये प्रिपेयर किया ये आई होप कि जब लोग फिल्म देखें तो उन्हें एफर्टलेस लगे ऐसा लगे नहीं कि ये बहुत रट्टा मार के आए या ये कुछ अननेचुरल है तो अबाउट द प्रोसेस पहले भी बोला है बट मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ बिकॉज पीपल शुड फॉरगेट वरुण एंड आलिया एंड जस्ट फील कि बद्री और वैदही है उनके सामने अग्री इसके अलावा होली के टाइम पर रिलीज होने वाली ये साल की होली काफी खास होने वाली है आप दोनों के लिए बहुत कोई बचपन की मेमोरी है होली को लेकर जो आप शेयर करना चाहें आज के दिन में बहुत सारे मुझे सबसे ज़्यादा तभी पसंद आता जब मैं स्कूल में होता था और होली आने वाला है और आप स्कूल से ही वाटर बॉटल्स स्कूल के जो वाटर बॉटल्स है वो यू स्टार्ट थ्रोइंग वाटर फ्रॉम दैट ऑन ईच अदर अगर स्कूल बस में मैं जाता था तो स्कूल बस में पानी ही पानी होता था हम लोग रंग तो स्कूल में नहीं लेके आ सकते थे और मज़ा बहुत मुझे आता था जब होली के नेक्स्ट दिन जब आप स्कूल जाते थे करेक्ट तो दो तीन बच्चे काफ़ी बच्चे पर दो तीन ऐसे बच्चे होते थे जो बिल्कुल कलर में आते थे मतलब एक तो पर्पल पर्पल ब्लू पिंक और ऐसे जब और जब वो लोग बैठते थे तो एक ही नीला बच्चा है ऐसा या पर्पल बच्चा है एक दो बार मेरे साथ भी हुआ है पर फिर वो रंग निकालना ऑयल के साथ बर्थडे प्लान अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं किया इट्स आई थिंक वो फिल्म के बहुत करीब है वी प्रोबेबली विल बी डूइंग समथिंग आई हैव नो आइडिया पर कुछ प्लान मैं नहीं किया है बट बिकॉज स्कूल की बात कर रहे थे तो मुझे आलिया का बर्थडे याद इसलिए रहता है क्योंकि जूलियस सीजर में जब आइड्स ऑफ मार्च बहुत एक ऐसा चीज़ था जो मेरे दिमाग में आइड्स ऑफ मार्च बहुत बिल्डअप होता था उसका जूलियस आई नो and so was no because when I had asked you I remember that when your birthday the first time when we I met I said rides of march the first time when I had asked jab what do you want to gift me what am I what to gift hopefully badrinath ki dulhaniya success she'll be happy I mean she'll gift it to me I'll gift it to her. I don't know what That's I'll the best gift right so me. I don't know do you, we I'll gift her something no it's okay I don't I'll, want it don't lie no, I don't know after the interview gets over she'll I just ask want for to that's it A perk up or what is that? Alphabets you want? I want to eat food. Okay. Cheese balls you have to get me on my birthday. Alia, film to jald release hone wali hai. Bahut excited bhi hai. Kyunki pichle do dino mein aap isliye bhi khabron mein hai kyunki dhamki bhari calls aaye the aapko lekar jaan se maarne ki dhamki aur wo vyakti pakda gaya. Jaan se maarne ki dhamki hai. Jaan se maarne sorry. I heard jaan se maarne ki dhamki hai. आपने मुझे ब्रेव कहा आई थिंक मैं अपने पिताजी और हमारी पुलिस को ब्रेव कहूँगी क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल फिक्र करने की एक चांस भी नहीं दिया दे जस्ट टुक ओवर और आई थिंक सब अभी सुलझ गया है एंड एवरीथिंग इज ओके एंड एवरीबॉडी सेफ एंड हैप्पी तो बस लेकिन आगे पहले कॉल आपको जब आया था तो कहीं ना कहीं मन में डर था कि क्या होगा आपने फर्स्ट रिएक्शन क्या था नो आई थिंक जैसे कि मैंने कहा एक पिता और एक पेरेंट का काम होता है आपको सेफ फील करवाना तो विथ हिम बाय माई साइड देर इज नो वे फॉर मी टू फील स्केयर्ड थैंक यू